बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, आज जो हम जिस मेडिसिन्स का इसमें डिस्कशन है हमारी, वो है काली फौस। वैसे तो ये बहुत डिफरेंट पावर्स में आती है। काली फौस 3X भी आती, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रही होगी जो नीचे पड़ी हुई है बॉटल, वो 3X में है काली फौस, और साइड पे 12X में पड़ी हुई है, और जो मिडल में पड़ी हुई है वो 6X में पड़ी हुई, काली फॉस 6X में। क्योंकि ये ज्यादा अच्छा काम जो मैंने देखा है, अपनी ऑब्जर्वेशन मैंने की है, वो है कि काली फॉस 6X में जितना अच्छा काम करती है मुख्तलिफ बीमारियों में, वो और पावर्स में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने में आते। तो ये एक तरह का बायोकेमिक सॉल्ट है, यानी कि जो काली फॉस है ये एक बायोकेमिक सॉल्ट है, जो कि इसके बगैर जो है नर्व मसल्स में जो है वीकनेस आ जाती है। यानी ह्यूमन बॉडी में अगर ये वाला सॉल्ट की कमी हो, इस बायोकेमिक सॉल्ट की, तो नर्व मसल्स जो हमारी बॉडी के होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां जो है वो देखने में आती है। जो जो भी बीमारी हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, इसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। अगर ब्रेन में काली फॉस की कमी हो जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की कमी की अलामत देखने में आती हैं। अगर नींद आ भी जाए तो सुबह फ्रेश नहीं उठते, बल्कि थके थके और बोझल तबीयत होती है। हालांकि अगर रात की साउंड स्लीप और अच्छी सी स्लीप ली हो तो सुबह इंसान बहुत फ्रेश उठता है और हर काम के लिए तैयार होता है। लेकिन इसका जो पेशेंट होता है जिसमें इस सॉल्ट की कमी होती है, जिसके ब्रेन में उसको रात की नींद लेने के बाद भी थकी थकी सी उसकी बॉडी होती है, और अक्सर उसे नींद नहीं आती, और ये लॉस ऑफ मेमोरी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिन लोगों को भूलने की चीजें भूलने लगे और याद करें कि हमने ये चीज कहाँ रखी थी या ये काम करना है, ये भूल गए हैं, इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा ओल्ड एज में जब बॉडी में काली फॉस की कमी हो जाती है या इंसान ज्यादा दिमागी काम करे तो भी काली फॉस की कमी हो जाती ब्रेन में, तो इनकी तबीयत में मुख्तलिफ तकालीफ दिखाई देने लगती हैं। यानी कि अक्सर रोना आ जाना, जल्दी डिप्रेशन की वजह से अक्सर रोना आ जाना, फिर इसके अलावा डिप्रेशन के साथ साथ ये गैस्ट्रिक अल्सर की बेहतरीन मेडिसिन है, क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर भी एक रीजन जो है वो डिप्रेशन भी है, जिनके मेदों में या जो है वो स्टमक में गैस्ट्रिक अल्सर बनता है, उसकी एक रीजन जो है वो डिप्रेशन भी है। तो ये जो मेडिसिन है वो गैस्ट्रिक अल्सर की इस वजह से बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, और अक्सर लोगों पर ये बहुत अच्छा काम करती है। यानी खाना खाने के बाद सांस कुछ लोगों का फूलने लगता है, अक्सर सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूलने लगता है, क्योंकि इनके जो है हार्ट मसल्स कमजोर होते हैं। तो ये काली फॉस जो है ये हार्ट मसल्स को भी जो है वो स्ट्रांग करती है। इसके अलावा कुछ बच्चे नींद से डर के उठ जाते हैं, नींद में सोते हैं लेकिन सोए सोए एकदम से झटके लगने लग जाते हैं या उठ जाते हैं डर से, और अक्सर नींद से उठकर चलने फिरने लगती हैं। सोए हुए होते हैं लेकिन वो चल फिर रहे होती हैं। तो ये जो है ये भी बहुत बड़ा नर्व डिसऑर्डर है, और काली फॉस की कमी की वजह से ये बच्चों में अक्सर होता है, और बच्चों को डर खौफ बहुत महसूस होता है, रोना बहुत जल्दी आ जाता है, नींद में अगर वो सोते हैं तो उन्हें भूत प्रीत नजर आते हैं, डाकू नजर आते हैं, खौफ होता है, और अक्सर जो है नींद आती नहीं। तो ऐसे बच्चों को जो 10 साल के अंदर अंदर हो, यानी 10 साल से कम एज के हों, उन्हें दो दो गोली जो है सुबह दोपहर शाम इसकी कुछ दिन दी जाती है, तो उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाती है। अक्सर फीमेल पेशेंट्स जो हैं वो हिस्टेरिया की पेशेंट भी होती हैं, वो उनके लिए भी काली फॉस बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इश्यू होता है बच्चों में कि वो अक्सर बड़े होकर भी बिस्तर पे यूरिन पास कर देती हैं और बेड वेट हो जाता है, तो इसकी भी ये बेहतरीन मेडिसिन है। हालांकि अक्सर पेरेंट्स बहुत ज्यादा जो है वो परेशान होते हैं बच्चों की इस बीमारी की वजह से, तो लेकिन उनमें इस
बायोकेमिक सॉल्ट की कमी होती है, जिसकी वजह से उनके जो मसल्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होती, इसकी वजह से उन्हें कंट्रोल नहीं होता और उनका जो है बिस्तर के ऊपर ही जो है वो यूरिन पास हो जाता है। और इसके अलावा ये टाइफाइड फीवर में बहुत अच्छा काम करती है। टाइफाइड फीवर अगर बहुत ज्यादा हो तो काली फॉस उसमें बहुत अच्छा काम करती है। बैक पेन, अगर कमर दर्द बहुत बहुत ज्यादा हो, पेशेंट को कमजोरी महसूस हो रही हो, तो बहुत ये तब भी अच्छा काम करती। अक्सर पेशेंट को देखते हैं कि हम खाना वो ठीक ठाक खा रहे हैं लेकिन फिर भी हद से ज्यादा वीक नजर आते हैं, दुबले पतले दिखाई दे रहे होते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी जो है काली फॉस जो है वो बेहतरीन सॉल्ट है और बेहतरीन टॉनिक का काम करती है। इसके अलावा ये है कि ये माइग्रेन मेडिसिन भी है, जिन लोगों को आधे सर का दर्द या पूरे सर का शदीद दर्द हो उनके लिए भी ये बेहतरीन मेडिसिन है। पढ़ाई वाले बच्चों के लिए बेहतरीन टॉनिक मेडिसिन के तौर पर काम करती है, क्योंकि इससे याददाश्त अच्छी हो जाती है, जो भी वो पढ़ते हैं उन्हें ज्यादा अच्छी तरह याद हो जाता है। और इसके अलावा ज्यादा देर याद करने से या काम करने से उनके सर में कोई दर्द वर्द भी नहीं होता और इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। और ब्रेन के साथ साथ ये नर्वस सिस्टम की क्योंकि बेहतरीन मेडिसन है, टॉनिक है, इसके इसी वजह से ये लकवा या पैरालिसिस जिन पेशेंट्स को होता है उनके लिए भी ये टॉनिक है। मतलब पैरालिसिस में क्या होता है, उसमें भी मसल्स जो है बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, लकवे में भी यही होता है, तो ये उस उन पेशेंट्स को जो है ये उनकी मेडिसिन के साथ साथ लकवे की या पैरालाइज की जो मेडिसिन होती है उनके साथ एज अ टॉनिक मेडिसिन ये यूज करवाते हैं, तो मरीज जो है वो बहुत जल्दी जो है वो क्योर रिकवर कर जाता है। तो ये जो है 3x में, 6x में, 12x में मुख्तलिफ पोटेंसीज में आती, जैसा कि सामने आपको दिखाई दे रहा होगा साइड पे 3x में पड़ी है, उस साइड पे जो है 12 में पड़ी, लेकिन मिडल में जो मैंने टॉप पे रखी है वो 6x में रखी, क्योंकि 6x में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसकी डोज में जो है पेशेंट को 4 टेबलेट्स दिन में 3 मरतबा देते हैं, मुंह में रख के चूस लेते हैं, और जब बीमारी की सिम्टम्स या बीमारी कम होने लगती है तो पहले दिन में 4 टेबलेट्स दिन में 2 मरतबा जो है वो देते हैं, 4-4 गोलियां दिन में 2 मरतबा, फिर नेक्स्ट जो है 15 दिन के बाद जो है 4 गोलियां सिर्फ 1 मरतबा, और उसके बाद जो है 15-20 दिन लगातार देने के बाद अगर सिम्टम्स बिल्कुल ना दिखाई दें तो मेडिसिन को बंद कर देते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि मेडिसिन लेने से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद कुछ खाना नहीं है, ये पानी पी सकते हैं। अक्सर ये है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, कुछ पेशेंट के हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होती, इसकी वजह से उनका मूड अच्छा नहीं होता, वो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, या किसी लॉस की वजह से, किसी सदमे की वजह से, या हद से ज्यादा काम का उनके ऊपर अगर बोझ हो, ज्यादती हो, तो भी ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। और इसके अलावा एक और बड़ा इश्यू होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती, अक्सर बच्चों में बहुत देखने में आती, तो ये कॉन्फिडेंस के लेवल को भी इम्प्रूव करती है। फिर एक और बड़ा इश्यू है एलोपेशिया, ये एलोपेशिया की भी बेहतरीन मेडिसिन है, अक्सर जगह जगह से सर्कल में, राउंड सर्कल में पैच बनकर बाल उतरते जाते हैं और गंजपन हो जाता है, मतलब लोगों के आपने देखे होंगे कि कई लोगों के गोल गोल सर्कल्स में बाल बिल्कुल साफ हुए होते हैं सर के ऊपर से, तो जगह जगह पैचेस होते हैं, तो वो उसकी वजह से कई लोग बहुत परेशान होते हैं। ये भी बायोकेमी किसी सॉल्ट की कमी की वजह से सर्कल्स बनती हैं और एलोपेशिया हो जाता है, यानी कि गंजपन की मुकम्मल बीमारी हो जाती है। इसके अलावा जो है ये IBS की भी बेहतरीन मेडिसिन है, अक्सर वॉमिटिंग आना, पेट खराब हो जाना, जो अक्सर गर्मियों में स्पेशली होता है, जब सीजन चेंज हो रहा होता है, मौसम एकदम चेंज हो रहा हो और गर्मियों, कई दफा शदीद गर्मियों में होता है ना कि पेट अक्सर लोगों का खराब होता है, तो ऐसी सिम्टम्स में ये बहुत जबरदस्त काम करती है, और इसका पेशेंट ज्यादा देर काम नहीं करना चाहता, यानी कि सुस्त होता है, काहिल होता है, अक्सर उसे चक्कर भी आते हैं, और ये चक्कर आने की भी बेहतरीन मेडिसिन, जिन लोगों को
चक्कर आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। चक्कर चाहे किसी भी बीमारी की वजह से हो, इसके लिए ये अच्छा काम करती है। अक्सर लोगों की आपने देखा होगा आईलिड्स गिरी हुई होती हैं, यानी लटकी हुई नीचे की तरफ, ये भी जो है आईलिड का पैरालाइज होता है इसको हम कहते हैं। तो ये मैंने एक बहुत मैंने करीबी एक ऑब्जर्व किया है, हमारे क्लोज एक गार्डनिंग का काम करते हैं एक जगह पे, तो उनकी आईलिड्स अक्सर इतनी गिरी हुई होती कि कई दफा तो वो हाथों से अपनी आईज को ऊपर कर रहे होते, ये आईब्रोज पे हाथ रख के बात करते तो ऊपर को कर रहे होते। तो ये पेशेंट तो बहुत मैंने क्लोजली इसको ऑब्जर्व किया है, तो इसको कहते हैं आईलिड का पैरालाइज होना। तो इसकी भी ये बेहतरीन मेडिसिन है, गला बैठ जाए, बोलने में जो है वो बिल्कुल जो है सही तरीके से ना बोला जाए तो भी इसकी ये अच्छी मेडिसिन है। और ये उमूमन जो है वो डॉक्टर रेकवेक की या श्वाबे की लेनी चाहिए, क्योंकि जर्मनी की ये बेहतरीन काम करती है। तो स्लीपलेसनेस की भी ये बेहतरीन मेडिसिन है, अक्सर लोगों को नींद ही नहीं आती, वो जिस किस्म की मर्जी मेडिसिन ले लें। और कुछ लोग जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें एडिक्शन हो जाती है, तो उस एडिक्शन को दूर करने के लिए भी अगर ये कालीफॉस लेना शुरू कर दें तो उन्हें नींद अच्छे से आ जाती है और उनकी वो मेडिसिन जिनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाती है। ये तो एक वैसे भी टॉनिक है। इस ये लॉस ऑफ मेमोरी, एंग्जाइटी, टेंशन, इस सब की बेहतरीन मेडिसिन है। और ये हमारे माशरे में आजकल बहुत ही ज्यादा जो है वो एक मुश्किल कह लें, एक बहुत ही तकलीफ दे बीमारी कह लें, यानी लॉस ऑफ मेमोरी भी मुश्किल बीमारी है, तकलीफ दे एंग्जाइटी बहुत मुश्किल और तकलीफ दे बीमारी, टेंशन, टेंस पेशेंट जो है वो बहुत अजियत में होते। इसका पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नर्वस रहता है, मतलब एंशियस रहता है, नर्वस रहता है, और बहुत ज्यादा अक्सर ये एक्सट्रीमिस्ट भी होते। कई पेशेंट इनमें देखने में आती हैं, एक्सट्रीमिस्ट होती हैं कि किसी तरफ भी डगर पे चले जाएं वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से ये ज्यादा देखने में आता है कि इसका जो पेशेंट होता है वो चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो वो हद से ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा जो है वो हर वक्त इबादत में वो मसरूफ रहते हैं, यानी कि एक हद से ज्यादा। अक्सर लोगों के पांव के तलवों में बहुत ज्यादा दर्द हो तो भी ये इस मसले में भी बड़ा अच्छा काम करती है। कुछ लोगों के कान में शदीद खुजली होती, कान में अक्सर देखा होगा कि कई लोग खुजा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से कईयों के वो अंदर इन्फेक्शन भी हो जाती, जख्म भी हो जाता है, तो इसके लिए भी ये अच्छी मेडिसिन है। अगर कान में फंगस हो जाए या खुजली हो बहुत ज्यादा तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। यूं कह लें कि ये हजार मर्जों की एक मेडिसिन, हम खाते तो किसी एक मसले के लिए है लेकिन वो कई और मसाइल को जो है जो हम जिसके लिए सोच भी नहीं सकते उनको भी क्योर करती है, क्योंकि बेसिकली इसका जो मेन है ये स्ट्रेस और नींद और इन चीजों को कवर करती है। और स्ट्रेस जो है एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, ख्वाह वो स्टमक से रिलेटेड हो, ब्रेन से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो। स्ट्रेस जो है वो कई बीमारियों की जो है वो मेन जो है वो रीजन होती है, तो ये उसको बहुत अच्छे से जो है वो क्योर कर देती है। तो अगर आपका ये आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आज की डिस्कशन जो है बहुत अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को जो है लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर इस मेडिसिन से आपको जो है कोई रिलीफ मिले और इसको खा के अच्छा लगे, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है, तो दुआ भी दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।